ट्रांसफॉर्मेशन कौन करता है यही हमको देखना है। फिलहाल हमें तो पता है कि वो डीएनए की वजह से हुआ है, बट प्रूफ चाहिए ना, तो इसके लिए अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कुछ सालों बाद इनके एवरी और मैकार्टी और मैक्लियोइड ने, ये इन्होंने इन तीन साइंटिस्ट लोगों ने तीनों ने किया, ये तीनों एक ही यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स थे और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया किसके बाद, ग्रिफिथ के बाद ग्रिफिथ ने क्या बताया था कि जो आर वाली बैक्टीरिया थी और जो यहाँ पे एस वाली बैक्टीरिया थी, तो आर वाली कैसी होती है, नॉन वायरुलेंट होती है और एस वाली वायरुलेंट होती है, बट जब हम एस वाले को भी हीट दे देंगे तो ये भी कैसे बन जाएगी, नॉन वायरुलेंट बन जाएगी। ठीक है, तो दोनों नॉन वायरुलेंट को जब हम लोग मिक्स करेंगे तो अपना माउस जो था वो डेड हो जा रहा है, मर जा रहा है, समझा कि नहीं। तो ये ऐसा कैसे हुआ, तो वही इन्होंने बोला कि जब हमने हीट वाले को किया, हीट किया स्मूथ वाले को, तो उसकी प्रोटीन बाइंडिंग तो टूट गई लेकिन उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल तो था ना, वही जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया आर वाले में और आर वाला बन गया वायरुलेंट। ठीक है, और फिर उसी आर वाले की वजह से अपना माउस मर गया, समझा कि नहीं। तो इनका क्वेश्चन था कि कौन है ऐसा वो चीज जिसने ये हीट से जो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल था हीट वाले इस एस टाइप वाली जो स्ट्रेन थी इसमें से ट्रांसफर करा दिया आर वाले में, तो ऐसा कौन सा वो चीज है। फिलहाल हमको पता है कि वो डीएनए है बट इनको नहीं पता था, तो ये अभी इन्हें ये प्रूफ करेंगे ओके कि कौन था। आखिर पता चलेगा कि वो डीएनए है, अभी पता चलेगा, डोंट वरी। ठीक है, तो वो डीएनए ही था जो यहाँ से एस टाइप से आर टाइप में क्या किया, ट्रांसफर किया, बट ये इस चीज को ग्रिफिथ ने नहीं बताया। इन्होंने बोला कि कोई तो चीज है जो ट्रांसफर करती है, वो कौन है वो इन्होंने नहीं बताया। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अभी एवरी, मैकार्टी, मैक्लियोइड, इन तीनों के अभी हम इनके एक्सपेरिमेंट को समझते हैं अच्छे से। तो इन्होंने क्या बताया था, ध्यान देना अच्छे से, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला कि भाई कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो तो वो क्या होता है, वो डीएनए होता है या तो आरएनए होगा, ठीक है, और या तो फिर उसके अंदर प्रोटीन की बाइंडिंग होगी, ठीक है, प्रोटीन होगा। ठीक है, यही तीन चीजें होती है किसी भी वायरस, बैक्टीरिया या किसी भी सेल के अंदर, यही तीन चीज होती है ना। तो इन्होंने इन तीनों चीजों को क्या किया, इन्होंने तीनों चीजों को सेपरेट कर दिया, ठीक है, और इन तीन के तीनों को डिफरेंट अलग अलग तरीके से एस वाले में, फिर आर वाले में, फिर यहाँ पे फिर से एस वाले में, सभी में इन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट डिफरेंट अलोन सिंगली इन्होंने परफॉर्म किया। और इन्हें बाद में पता चलता है कि डीएनए ही है जो ट्रांसफर करता है, क्योंकि आरएनए और प्रोटीन तो ट्रांसफर करने का काम करते ही नहीं है, ओनली डीएनए ही करता है, तो इन्हें पता चलता है। तो ये कैसे पता चलता है ये हम अभी यहाँ पे ध्यान से देखते हैं ओके? तो देखो इन्होंने क्या किया, इनको पता करना था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आर वाला जो अपना स्ट्रेन था ये वायरुलेंट बन जाए, कैसा वायरुलेंट मतलब जो मारने का काम कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, इसको आर वाले को वायरुलेंट किसने बनाया, तो हम सबको पता है कि एस टाइप ने बनाया था, कैसे, जबकि एस वाले को हमने क्या कर दिया था, हीट कर दिया था, और ये कैसे बन गया था, नॉन वायरुलेंट बन गया था, फिर भी ये वायरुलेंट कैसे बना। तो एक तो क्वेश्चन था ही कि एस टाइप से कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल आर वाले में गया होगा, समझा कि नहीं, तो वो जेनेटिक मटेरियल किसने ट्रांसफर किया, यही क्वेश्चन था। तो इसको अभी मैकार्टी जो ये साइंटिस्ट थे तीनों, ठीक है, ये अभी इसको प्रूफ करेंगे। तो इससे पहले हम एक चीज जान लेते हैं, तभी आपको इनका एक्सपेरिमेंट समझेगा ओके, ध्यान देना अच्छे से। तो एक यहाँ पे प्रोटीन बाइंडिंग एक एंजाइम होता है जिसको हम प्रोटीएज कहते हैं, दूसरा आरएनए का एक एंजाइम होता है जिसे हम आरएनएज कहते हैं, फिर इसके बाद एक होता है और एंजाइम जिसे हम कहते हैं डीएनएज कहते हैं, ठीक है। ये तीन एंजाइम्स को आप अच्छे से समझ लो। अब ये तीनों एंजाइम का काम क्या होता है, अच्छे से आपको यहाँ पे फोकस करना है और ध्यान देना है, तीन के तीनों एंजाइम्स का मीनिंग अच्छे से आपको समझना है, ठीक है, ध्यान देना। अभी हमको पता है कि अपने पास तीन मॉलिक्यूल है, एक है आरएनए, एक है यहाँ पे डीएनए और एक है अपना यहाँ पे अच्छे से समझना प्रोटीन ओके। तो ये तीन ही है। अब इन ये जो साइंटिस्ट थे इनके मन में एक ही था कि या तो आरएनए ट्रांसफर किया, या तो डीएनए ने ट्रांसफर किया, तो प्रोटीन ने ट्रांसफर किया, और वैसे भी पहले प्रोटीन को ही समझा जाता था कि यही ट्रांसफर करता है, ठीक है। चलो तो अब यहाँ से क्वेश्चन एक है कि जो ये प्रोटीएज होता है, ये जो आरएनएज होता है और ये जो डीएनएज होता है, ये क्या करती है कि जो भी, ध्यान देना अच्छे से, जो भी ट्रांसफर करता है उसको ये क्या करेंगे, उसको ये ब्रेक कर देती है, रोक देती है, स्टॉप कर देती है, इनहिबिट कर देती है कि वो ट्रांसफर ना करे, ठीक है। चाहे अगर मान लो आरएनए ने ट्रांसफर किया, आरएनए ट्रांसफर मान लो कर रहा है,
तो अगर आरएनएज हम लोग इसके सामने अप्लाई कर देंगे ना, आरएनएज को अगर हम लोग इसके सामने अप्लाई करेंगे तो ये इसको ट्रांसफर कराना बंद कर देता है, ठीक है, ये चीज होती है। फिर उसके बाद डीएनए है, तो अगर डीएनए मान लो ट्रांसफर कर रहा है, वैसे भी तो यही करता है, अगर डीएनए ट्रांसफर कर रहा है इसके सामने अगर हम डीएनए लगा देंगे, ये एंजाइम लगा देंगे, तो डीएनए क्या करेगा, यही ट्रांसफर होना बंद कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर प्रोटीन ट्रांसफर कर रहा है, अगर हम प्रोटीएज लगा देंगे तो ये फिर प्रोटीन ट्रांसफर करना बंद कर देगा, ये होता है ऐसा। तो ऐसा यही चीज को फायदे में, इसी चीज को जो यहाँ पे मैक्लियोइड थे, ये तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया, यूज किया। अब ध्यान देना कैसे, इन्होंने भी लिया आर स्ट्रेन और हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, इन दोनों को यहाँ पे कंबाइन किया और दोनों माइस को रखा। तो माइस में अंदर इंजेक्ट करने से पहले इन्होंने पहले प्रोटीएज यूज किया, ठीक है, प्रोटीएज को भी ऐड किया। अगर मान लो इन्होंने पहले पता किया, अगर मान लो प्रोटीन अगर ट्रांसफर किया होगा, प्रोटीन ने अगर जेनेटिक कैरेक्टर को एस से आर टाइप में ट्रांसफर किया होगा और आर को वायरुलेंट बनाया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीएज प्रोटीन को रोक देगा। अगर प्रोटीन ट्रांसफर किया होगा तो प्रोटीएज प्रोटीन को रोक देगा और अपना माउस जिंदा रहेगा, समझा कि नहीं, क्योंकि फिर आर वाला तो वायरुलेंट बनेगा ही नहीं ना, समझा कि नहीं अच्छे से, फिर एस वाला भी नॉन वायरुलेंट रहेगा और आर वाला भी नॉन वायरुलेंट रहेगा, तो यहाँ पे माउस मरेगा ही नहीं, ठीक है। तो जब इन्होंने प्रोटीएज यूज किया तो फिर से अपना माउस मर गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटीएज ये प्रोटीन को रोक नहीं पाया, इसका मतलब क्या था कि प्रोटीन ट्रांसफर नहीं करता है, समझा कि नहीं अच्छे से, ये बातें आपको अच्छे से समझ के रखनी है। नेक्स्ट इन्होंने यूज किया आरएनएज को, आरएनएज को यहाँ पे लिखा नहीं पर समझो, आरएनएज को यूज किया, और जब इन्होंने आरएनएज को यूज किया तो इन्होंने क्या देखा कि आरएनएज अगर यहाँ पे जो आरएनए था, यहाँ पे एस टाइप के पास जो आरएनए था, ये आरएनए अगर मान लो ट्रांसफर कर रहा होता, अगर ये ट्रांसफर कर रहा होता एस से आर में सारे के सारे इस वायरस वाले, इस बैक्टीरिया वाले जो भी जेनेटिक मटेरियल थे, इसको एस से आर में अगर ये ट्रांसफर कर रहा होता तो आरएनए इसको रोक देता, समझा कि नहीं। बट यहाँ पे आरएनए ने रोका ही नहीं, क्योंकि आरएनए तो ट्रांसफर करता ही नहीं है, क्योंकि ये जो यहाँ पे एंजाइम है सारे के सारे, ये उसी को स्टॉप करते हैं, इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट करना मतलब रोक देना, तो ये इसी को इनहिबिट करते हैं जो क्या होता है, जो सारे के सारे ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ना तो आरएनए किया करता है, ना ही प्रोटीन करता है। तो जब प्रोटीएज लगाया तो प्रोटीन ने भी नहीं किया कुछ भी, तो प्रोटीन भी सीधे ट्रांसफर हो गया और अपना माउस मर गया, क्योंकि एक साथ में ही डीएनए आरएनए प्रोटीन सब जाएगा ना जब हम इंजेक्ट करेंगे, तो भाई यहाँ पे प्रोटीन भी जाएगा, यहाँ पे आरएनए भी जाएगा, यहाँ पे डीएनए भी जाएगा, हमने ओनली प्रोटीएज यूज किया था, तो प्रोटीन को रोका ही नहीं इसने, क्योंकि प्रोटीन तो यहाँ पे ट्रांसफर करता ही नहीं है ना, अगर ट्रांसफर करता तो प्रोटीएज रोकता, क्योंकि ये एंजाइम का एक ही काम है, जो ट्रांसफर करता है उसको रोक देती है आगे ट्रांसफर होने से, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी के आरएनए और डीएनए क्या करते हैं, ट्रांसफर हो जाएंगे, और डीएनए रियल में क्या करता है, ये किल करता है, तो यहाँ पे ये किल हो जाएगा, ओके, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ओके। चलो आगे देखते हैं, अभी यहाँ पे नेक्स्ट आरएनए यूज किया, तो आरएनए के टाइम पे यहाँ पे प्रोटीएज तो करता ही नहीं है, आरएनए भी नहीं करता है, बट डीएनए करता है, और आरएनए जो था ये आरएनए को रोक देता, बट आरएनए ये क्या करता है, यहाँ पे आरएनए तो ट्रांसफर करता ही नहीं है, तो कैसे आरएनए उसको रोकेगा, तो आरएनएज और प्रोटीएज दोनों, जो प्रोटीन और यहाँ पे आरएनए है, ये दोनों के दोनों माउस में जाएंगे और डीएनए भी जाएगा, क्योंकि डीएनए को तो सिर्फ डीएनए रोकेगा ना, तो डीएनए हमने यूज ही नहीं किया था, तो डीएनए जब रोकेगा तो यहाँ ट्रांसफर हो गया और माउस मर जाएगा। अब आता है डीएनए की बारी, तो फिर से अपने पास प्रोटीन है, आरएनए और डीएनए, डीएनए ओनली डीएनए को रोकेगा, आरएनएज ओनली आरएनए को रोकता है, प्रोटीएज ओनली प्रोटीन को रोकता है। तो हमने एक एक करके सबका परफॉर्म किया, पहले हमने प्रोटीएज यूज किया, तो प्रोटीएज ने प्रोटीन को रोका, और प्रोटीन को रोकने के बाद भी यहाँ पे माउस मर गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रोटीएज जो होता है ये तो इनहिबिट करता ही नहीं है ना, ये ट्रांसफर करता ही नहीं है, ठीक है। फिर हमने आरएनए को यूज किया, तो आरएनए भी ट्रांसफर नहीं करता है, तो इसने इसको भी नहीं रोक पाया। अभी डीएनए की बारी आती है, तो डीएनए क्या करेगा, डीएनए को यहाँ पे जो डीएनए था ये डीएनए को रोक देगा, व्हाई, बिकॉज डीएनए ही क्या करता है, ट्रांसफर करता है, और इन एंजाइम्स का काम क्या होता है कि जो ट्रांसफर करती है जेनेटिक कैरेक्टर उसको ये रोक देती है। अगर प्रोटीन ट्रांसफर करता तो प्रोटीएज प्रोटीन को रोक देता, अगर आरएनए ट्रांसफर करता तो आरएनएज आरएनए को रोक देता, अगर डीएनए ट्रांसफर करता तो डीएनए जो था वो डीएनए को रोक देता, बट यहाँ पे प्रोटीएज और आरएनएज ने प्रोटीन और आरएनए को रोका नहीं। सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रोटीन और आरएनए तो बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं करते जेनेटिक कैरेक्टर को, तो डीएनएज ने डीएनए को रोक दिया, इसका मतलब क्या है, और अपना माउस जिंदा है, समझा कि नहीं अच्छे से। जब यहाँ पे डीएनएज ने डीएनए को रोक दिया, इनहिबिट कर दिया ट्रांसफर होने से, तो यहाँ पे समझ गया ना कि जो आर है और पी यानी प्रोटीन और आरएनए है, ये आगे ट्रांसफर हो गए, और ट्रांसफर होने के बाद भी अपना माउस नहीं मरा,
सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ओनली डीएनए ही क्या करता है, ट्रांसफर करवाता है एस से लेके आर में सारी चीजों को। समझा कि नहीं अच्छे से? तो यही मेन कंसेप्ट था इनका, बट फिर भी आगे चल के ये भी प्रॉपर अच्छे से फिक्स नहीं हुआ और इसको भी अच्छे से समझा नहीं गया। तो आगे एक और चीजें, एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसको प्रूफ किया, तो आपको इसे अच्छे से समझ के रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। एक बार फटाफट मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, जल्दी जल्दी आपको समझना है, ठीक है। अपने पास तीन एंजाइम है। पहले हुआ क्या था, ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ग्रिफिथ ने क्या किया था कि नॉर्मली आर वाला वायरुलेंट था और एस वाला भी वायरुलेंट था, एस वाला वायरुलेंट था, तो इसको इन्होंने जब हीट करके परफॉर्म किया था तो माउस मर गया था, ठीक है। और जब हीट करके परफॉर्म किया तो माउस मरा ही नहीं, ठीक है। तो बाद में इन्होंने क्या किया, जो वायरल यहाँ पे जो नॉर्मल नॉन वायरुलेंट था आर वाला, और जो यहाँ पे हीट करके जो एस वाला भी नॉन वायरुलेंट था, इन दोनों को हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और इन दोनों के एक्सपेरिमेंट में हमको क्या मिला कि माउस अपना मर गया, ठीक है। जबकि रफ और हीट किल्ड स्मूथ वाले से नहीं मरता है, देखो यहाँ पे दोनों में जिंदा है, और इन्हीं दोनों को हमने मिक्स कर दिया, इसको और इसको हमने मिक्स कर दिया, देखो माउस मर रहा है। तो ऐसा क्या हुआ कि एस टाइप वाले में से आर टाइप वाला वायरुलेंट बन गया? ऐसी कौन सी चीज है जिसने एस वाले की जेनेटिक कैरेक्टर को आर वाले में ट्रांसफर किया? तो ये पता करने के लिए अपने पास यहाँ पे एवरी, मैकार्टी और मैक्लियोइड तीन साइंटिस्ट आए और इन्होंने परफॉर्म किया सारी चीजों को। इन्होंने तीन एंजाइम यूज किए, वो तीन एंजाइम क्या थे, प्रोटीएज थे और आगे चल के आरएनएज थे और भी बहुत सारे डीएनएज थे। इन तीनों एंजाइम का एक ही काम था, प्रोटीएज क्या कर, जो भी चीजें ट्रांसफर करती है जेनेटिक कैरेक्टर को, यह उसको रोक देती है ट्रांसफर होने से, ठीक है। तो अगर प्रोटीन मान लो ट्रांसफर करता तो प्रोटीएज प्रोटीन को रोक देता आगे बढ़ने से, यानी कि यहाँ से अभी इस माउस में जाता ही नहीं, ठीक है। फिर अगर आरएनए होता तो आरएनए भी रोक देता, आरएनएज आरएनए को रोक देता, डीएनएज डीएनए को रोक देता, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। तो अभी सिंपल सी बात है कि डीएनए ट्रांसफर करता है तो डीएनएज डीएनए को रोक देगा ना, यानी कि आगे चल के प्रोटीन और आरएनए ट्रांसफर होंगे इस वाले माउस में और ये माउस जिंदा रहेगा, बिकॉज डीएनए आगे जाएगा ही नहीं। जब डीएनए ट्रांसफर ही नहीं होगा, डीएनए एंजाइम जब हम यूज करेंगे तो डीएनए ट्रांसफर ही नहीं होगा इस वाले माउस में, और जब इस माउस में डीएनए ट्रांसफर ही नहीं होगा तो वायरस जाएगा ही नहीं, तो ये माउस जो रहेगा अपना जिंदा रहेगा। तो एस टाइप वाले में से आर टाइप वाले में जो वायरस वाली चीजें थी, मॉलिक्यूल थे, वो ट्रांसफर ही नहीं होंगे वो कैरेक्टर, तो अपना माउस जिंदा रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, डीएनए करता है। तो यही बात हमें पता चल गई सिंपल सी, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे यूज किया सेम चीजें। अब एक्यूरेट आंसर किसने दिया, एक्यूरेटली यहाँ पे प्रॉपर मॉलिक्यूल के हिसाब से एक्यूरेट आंसर दिया हर्शे चेस ने। किसने आंसर दिया, हर्शे चेस। गाइस ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, इसके बाद वाला जो सारी चीजें होंगी एकदम डीप डाउन बहुत अच्छी होंगी। चलो आगे समझते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको एक चीज थोड़ा सा अच्छा सा डिफरेंट चीज पता चलेगी, ओके। एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया को वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, सोचो जरा आपस में लड़ गए, ठीक है। वायरस को, यहाँ पे जो बैक्टीरिया है इसको वायरस ने क्या कर दिया, इन्फेक्ट किया। ऐसे वायरस को हम कहते हैं फेज, क्या कहते हैं, फेज। और जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज, क्या कहते हैं उसे, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से याद रखना कि बैक्टीरियोफेज कौन होते हैं, तो बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। और इसमें से सबसे टॉप में एक बैक्टीरिया का नाम आता है इस्टीरिशिया कोलाई, जो कि वायरस से इन्फेक्ट होती है। ये एक ऐसी बैक्टीरिया का नाम है, ई से इस्टीरिशिया, इसका नाम यहाँ पे याद रख लो, ये है इस्टीरिशिया ई का फुल फॉर्म, ठीक है। इस्टीरिशिया कोलाई ये एक बैक्टीरिया का नाम है जो कि वायरस से क्या होती है, इन्फेक्टेड होती है, ठीक है, बैक्टीरिया याद रखना। और ये वायरस कुछ इस तरह दिखती है, ओके। चलो तो ये वायरस का जो ये टॉप मोस्ट ऊपर का हेड वाला पोजीशन है, ये हेड पोजीशन में ये कैरी करता है डीएनए को, किसको कैरी करता है, डीएनए को। और जो यहाँ पे इसका ये वाला पार्ट है, यहाँ पे ये प्रोटीन कैरी करता है। और क्वेश्चन अभी भी था कि अपना डीएनए जो है ये ट्रांसफर करता है जेनेटिक कैरेक्टर को कि प्रोटीन करता है, क्वेश्चन अभी भी यही था, ठीक है भाई, प्रोटीन करता है ट्रांसफर या डीएनए करता है, यही तो था। तो जो यहाँ पे हमने अभी देखा था कि एवरी और मैकार्टी वाला जो और मैक्लियोइड जो तीनों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, इससे तो पता चल गया था कि डीएनए ही था, बिकॉज डीएनए ने डीएनए को रोक दिया था। और डीएनए ने जब रोक दिया, डीएनए ने डीएनए को, तो अपना माउस लाइव था, जिंदा था। तो इसका मतलब क्या है कि डीएनए जब ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो ही माउस जिंदा बचा ना, अगर डीएनए ट्रांसफर हो जाता तो माउस मर जाता। तो इसका मतलब क्या है कि डीएनए ही सारी चीजों को ट्रांसफर करवाता है, ये तो हमको पता चल चुका है, बट फिर भी हमको मॉलिक्यूल के बेसिस पे एकदम परफेक्टली हमें पता होना चाहिए। सो इसके लिए हर्शे चेस का एक्सपेरिमेंट सबसे बेस्ट माना जाता है और इन्होंने एक्यूरेट आंसर दिया था। कैसे, तो ध्यान देना, अभी इन्होंने दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए।
एक बार यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है इस डीएनए के साथ और एक बार ये प्रोटीन के साथ, ठीक है? आपको अच्छे से याद रखना है। उससे पहले एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बैक्टीरिया के ऊपर इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट का परफॉर्म किया था। बैक्टीरिया कुछ ऐसे दिखती है, इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक चीज जान लो, जो डीएनए होता है ये हमेशा किसको कैरी करता है, ये हमेशा फॉस्फेट को कैरी करता है। किसको कैरी करता है? फॉस्फेट को। और जो प्रोटीन होता है ये प्रोटीन किसको कैरी करता है? ये प्रोटीन सल्फर से बनता है। किससे? सल्फर कैरी करता है, ये बात ध्यान रखना, ओके? और प्रोटीन से यहाँ पे जो वायरस है, ये प्रोटीन से वायरस की बॉडी बनती है। और इसके हेड वाले पार्ट में अंदर क्या है, यहाँ पे हेड वाले पार्ट में इसके डीएनए मॉलिक्यूल है। कौन है? इसके डीएनए मॉलिक्यूल है हेड वाले पार्ट में। और डीएनए क्या कैरी करता है? फॉस्फेट कैरी करता है। बस इसी चीज से अभी हमको सारा इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा, ओके? तो अच्छे से ध्यान रखना। और अभी हम इसी फॉस्फेट और सल्फर के बेसिस पे सारी चीजों को जान लेंगे, बस इन्हीं चीजों पे आप फोकस रखना, ठीक है? ये रहा आपका एक्सपेरिमेंट का पार्ट, ठीक है? चलो ध्यान देना अच्छे से। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये 3 स्टेप में परफॉर्म किया गया, ठीक है? कौन कौन सा स्टेप है? पहला स्टेप है अपना यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, ब्लेंडिंग का। कौन सा पहला स्टेप है? ब्लेंडिंग, ओके? ध्यान देना अच्छे से, मोस्टली 2 स्टेप हम समझते हैं ब्लेंडिंग का, ध्यान देना अच्छे से। तो ब्लेंडिंग क्या होती है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इन्फेक्शन वाला तो आपको पता ही नहीं, इन्फेक्शन टच करेगा जाके। ब्लेंडिंग वाला क्या होता है? ब्लेंडिंग वाले कंडीशन में जो बैक्टीरिया होती है इसके ऊपर वायरस आता है, ठीक है? फिर कॉन्ट्रीफ्यूजन, यहाँ पे थर्ड वाला, यहाँ पे जो सेकंड वाला है कॉन्ट्रीफ्यूजन। कॉन्ट्रीफ्यूजन में क्या होता है, जो वायरस आया वो वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के अंदर रिलीज करता है। ये कॉन्ट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस होता है, ये कॉन्ट्रीफ्यूज करना इसे कहते हैं। और ब्लेंडिंग क्या होती है, ब्लेंडिंग में जो वायरस होता है ये बैक्टीरिया के ऊपर आके बैठ जाता है, ठीक है? फिक्स हो जाता है, चिपक जाता है अच्छे से इन्फेक्शन करने के लिए, ओके? तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। चलो अभी हम यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं बहुत ही अच्छे से, कि इन्होंने क्या बताया, मतलब जो यहाँ पे हर्षी चेस थी इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, ये अभी हम समझते हैं। तो पहली बात, इनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन था कि प्रोटीन या फिर डीएनए कौन है जो ट्रांसफर करता है, प्रोटीन या फिर डीएनए, यही 2 चीज थी। और जो डीएनए होता है ये कैरी करता है फॉस्फेट को, इसे याद रखना अच्छे से, फॉस्फेट को। और जो प्रोटीन होता है ये कैरी करता है सल्फर को, ठीक है? याद रखना। और प्रोटीन कहाँ होता है? प्रोटीन बाहर की बॉडी में होता है। और डीएनए कहाँ होता है? उसके हेड में होता है, ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है? तो पहला स्टेप, यहाँ पे रेड कलर में आपको बैक्टीरिया दिखाया है, यानी हम रेड वाला पार्ट यूज कर रहे हैं, रेड दिखाया। और यहाँ पे कौन सा रेड दिखाया? जो डीएनए है, यानी हम यहाँ रेड वाला पार्ट यूज करने वाला बात है। रेड मतलब जो हम जिसको यूज कर रहे हैं वो कलर है, ठीक है? याद रखना, कलर रिकॉग्नाइज करना आपकी टेक्स्ट बुक से। तो हमने यूज किया बैक्टीरियोफेज जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। हमने पहला यूज किया सल्फर लेवल प्रोटीन को, प्रोटीन के ऊपर हमने सबसे पहला फोकस किया, सल्फर लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल के ऊपर हमने सबसे पहला फोकस किया है, इसे आपको ध्यान रखना है, ओके? तो सबसे पहले ये जो बाहर का प्रोटीन कोटेड चीज है, ठीक है, ये जो बाहर से ये जो प्रोटीन कोटेड चीज है आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये जो प्रोटीन कोटेड इसकी बॉडी है, ये जो बॉडी दिख रही है, ये देखो सबसे पहले क्या हुआ, इसका ब्लेंडिंग हुआ। क्या हुआ? इसका ब्लेंडिंग, देखो जरा अच्छे से, यहाँ पे इसका ब्लेंडिंग हो गया, यानी ये बैक्टीरिया के अंदर आके ऊपर बैठ गया, ओके? आगे फिर इसका होगा कॉन्ट्रीफ्यूजन, यानी कि कॉन्ट्रीफ्यूगेशन होगा, यानी कि ये जो इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल था, ये जो यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल है, जो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल था, ये अंदर क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा इसको। और बैक्टीरिया का काम क्या है, ये अंदर ही अंदर सारी चीजों को रेप्लीकेट करता है, जो डीएनए होता है उसको रेप्लीकेट करता है, ये चीजें ध्यान रखना अच्छे से। और डीएनए में क्या होता है, फॉस्फेट होता है, ये भी फोकस रखना अच्छे से, ठीक है? और प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर होता है, ये भी फोकस रखना अच्छे से। तो जो अंदर बैक्टीरिया के हेड में जो डीएनए था वो देखो यहाँ पे अंदर आ गया, डीएनए अंदर आया। और जब हमने इस डीएनए का टेस्ट किया तो डीएनए टेस्टिंग में आपको पता चला कि इसके पास सल्फर है, यहाँ पे सल्फर, ध्यान देना अच्छे से, नो सल्फर डिटेक्टेड इन दी सेल, यानी कि इस डीएनए के पास सल्फर मिला ही नहीं, जो अपना यहाँ पे प्रोटीन वाली चीज अंदर आई है इसके पास सल्फर मिला ही नहीं। तो सल्फर गया कहाँ, क्योंकि हमने पहले तो प्रोटीन की बात की थी, और प्रोटीन में कौन होता है, सल्फर होता है, और सल्फर तो अंदर आया ही नहीं, अपने बैक्टीरिया के अंदर जो उसके सेल होते हैं बैक्टीरिया के, उसके अंदर तो सल्फर मिला ही नहीं। अगर सल्फर मिलता तो अपने को पता चलता कि भाई प्रोटीन ने इन्फेक्शन किया है, प्रोटीन ने ही ट्रांसफर किया है सारे के सारे कैरेक्टर को बैक्टीरिया के अंदर, वायरस से बैक्टीरिया में प्रोटीन ने ही सारे की सारी चीजों को ट्रांसफर करवाया है। बट यहाँ पे सल्फर मिला ही नहीं सेल के अंदर बैक्टीरिया के, वो कहाँ मिला सल्फर, सुपर नेटेंट में मिला। सुपर नेटेंट क्या होता है, जो मैं अभी तक आपको बॉडी बता रहा था जिससे प्रोटीन बनता है,
वही बॉडी को सुपर नेटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर नेटेंट, याद रखना इस वर्ड को, सुपर नेटेंट। ओके, इस बात पे फोकस रखना। तो वो सल्फर कहाँ मिला? सुपर नेटेंट, जो कि अभी भी बाहर ही होता है, ये थोड़ी अंदर जाता है। वायरस की बॉडी बैक्टीरिया के बाहर ही होती है, वायरस का जो डीएनए था वो स्ट्रक्चर अंदर जाता है, ठीक है। तो जब उस स्ट्रक्चर को हमने देखा तो वो सल्फर तो अंदर आया ही नहीं, समझा कि नहीं अच्छे से। अंदर क्या आएगा? फास्फोरस आता है, ना कि सल्फर आता है। सल्फर कहाँ रह गया? बाहर, इसी सुपर नेटेंट में, यानी कि जो वायरस की बॉडी थी वहां पर ही।